तुझे क्या मिला। वो आदमी जिसका नाम शहरयार हमदानी है, यानी शहरी, वो मेरा एक्स हस्बैंड रह चुका है। तुमने हम सबसे झूठ बोला, फरेब दिया हम लोगों को। तुम्हारी शादी शहनाज से हो चुकी थी, तुमने हमें बताया तक नहीं। शहनाज को तुमने मारने की कोशिश की, यहां तक कि उसने अमेरिका से तुम्हें 5 साल पहले निकाल बाहर कर दिया था। सच है कि नहीं? जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। खैर, मैं आप लोगों को सफाइयां क्यों दे रहा हूं, बात खत्म हो गई ना? बात खत्म नहीं हुई। आपने उससे शादी की, उससे स्पॉन्सरशिप मांगी और बदसलूकी के बाद इस हालत में उसको मरने के लिए छोड़ दिया। और वैसे भी वो आपका इनाम क्यों ले रही है? क्योंकि वो जेलस थी कि मेरी एलिजा से शादी क्यों होगी। जो कहानी वो तुम लोगों को सुना रही है ना, इसका बिल्कुल उलट हुआ था। कि उसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की थी, एक ड्रामा रचाया था ताकि वो मुझे हासिल कर सके। ऐसी लड़कियों को मैं पलट के देखता भी नहीं, ना ही फैमिली, ना ही बैकग्राउंड और ना ही कोई इज्जत। उसके बारे में इतना कैसे जानते? देखो, जानता मैं अमेरिका में और भी बहुत सारी लड़कियों को, तो क्या सबसे मेरी शादी होगी? यार फ्रेम कर रही है मुझे, ब्लैकमेल कर रही है। एक छोटे से घर की लड़की है वो, और मामूली लड़कियां जो अपने सर्वाइवल के लिए यही चीजें करती हैं। मामूली लड़की नहीं है वो, बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रही है। झूठ है ये सब। अच्छा, वो सच्ची है, बस मैं हूं जो झूठा हूं। कल को कोई भी लड़की आके दावा कर लेगी कि वो मेरी बीवी, तो मान लेंगे आप लोग? झूठ बोल रहा है। अलीजे इस घर में नहीं रह सकती। अलीजे मेरे साथ चलो। ठीक है, तुम जाना चाहती हो, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी तो जाओ तुम। और कल को अगर कोई मुझे आके कहे करो कि तुम्हारा सलमान का निकाह हुआ था, तो मैं भी मान लूंगा। बकवास मत करो। हां बकवास मत करें। ओटी हमें विचंचरा से बात करेंगे। मत कैसे हुई आप छोड़ के बाप को ऐसे बोलने की? हाथ मत करो प्लीज प्लीज। इल्जाम भी हो सकते हैं, शेरी और मेरी बातें हम सुलझा देंगे। कुछ नहीं सुलझने वाला, क्योंकि ये झूठे हैं। सबूत लाओ, सबूत है तुम्हारे पास? गलत कर रही हो तुम इसे। कोई भी अपना घर बार फुलिश विम्स की नजर नहीं कर सकता। किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें सोचना है तो हमारे साथ चलो और तसल्ली से सोचो। शहना झूठे ही बोल रही। क्या बातें हो रही है ये? तुम सुन नहीं रही क्या कह रही है ये? तुम इसे इस वक्त अपना पाबंद नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। आपने इसको लेके जाना है तो ले जाए भले। मुझे पता है बड़ी खबर है, लेकिन ये खबर झूठ है, बिल्कुल झूठ। प्लीज तुम बताओ मुझे, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चीट करूंगा? मैं एक बहुत गुस्से वाला आदमी हो सकता हूं, लेकिन अगर इस दुनिया में किसी औरत के लिए लड़ूंगा ना, वो सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। मुझे कुछ वक्त चाहिए इसके साथ और इस घर में, प्लीज। गिविंग अप ऑन लव इज नॉट इजी, गिविंग अप ऑन लाइफ इज। इस तरह क्या देख रहे हो?
क्या है यार? अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो चली जाती अपने माँ बाप के साथ। लेकिन तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम शहना को जानते थे और वो भी इतना जानते थे? तुमने भी मुझे सलमान के बारे में नहीं बताया। देखो इस बात को यहीं खत्म कर दो। ओके क्या ही? तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? सुने, अगर वो अलीजे के डैड का फोन आएगा आपने उठाना नहीं। ओके क्यों? मैं फंस गया हूं। हुआ क्या है? फंस गया हूं ना मैं। डैड, शहना कौन है? तुम किसलिए आई हो कमरे में? मैं हूँ डैड, बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आई हूँ, क्यों नहीं आ सकती? बेटा बेटा, आई नो तुम्हारे लिए बहुत ही अपसेटिंग बात है। क्यों है अपसेटिंग? अपसेटिंग तो तब होगा ना जब व्हेन शी बिलीव्स इट, व्हेन शी डजंट ट्रस्ट मी। बेटा तुम मुझसे बात करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा क्या इस दुनिया में ऐसे भी होता है? शादी पे शादी? हम लोग तो अनजान थे आप लोगों के लिए। आप लोगों को बताना चाहिए था ना, हमसे क्लियर करना चाहिए था ये सब। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। देखो हम है ना, मेरा मतलब है मैं हूं ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, ये तुम्हारा घर है और इस घर का पीस कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये घर हमारा किला है और तुम इस घर की बहू हो। कोई भी लड़की राम अपना नाम किसी लड़के के साथ ऐसे अटैच नहीं कर सकती। वो झूठ नहीं बोल रही। तुमसे बोला है उसने? तुमसे बात हुई है क्या? कोई भी लड़की? तब तुम जानती क्या उसके बारे में? मेरी बात सुन, हर लड़की इस काबिल नहीं होती कि उसके साथ हमदर्दी की जाए। बेहतर यही होगा इस बात को यही खत्म कर दो। ओके मुझे अंदाजा है कि तुम पर क्या बीत रही होगी। मुझ जैसे शख्स का ब्लड प्रेशर इतना हाई है तो ये तो फिर भी बच्ची है, संभालो इस बच्ची को। तुम डैड को संभालो। क्या करूं मैं? तुम जाओ अपने बीवी को संभालो। ये मेरा घर नहीं है, कटहरा है। कोई भी आके मुझसे सवाल कर सकता है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। कौन कौन करेगा सवाल? देखो शेरी, तुम अपनी ताकत से दुनिया को खामोश कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उठने वाला शोर उसको कैसे कम करो? वो तो उठता है और उठता ही रहेगा। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? देखो बेटा, अंदर की आवाज किसी डेजिग्नेशन की मोहताज नहीं होती और ना उसकी वॉल्यूम कम होती है और वो ना ऑफ होती है, समझे? अब तो मुझे डरा रहे हैं डैड। यू माय फादर, हेल्प मी आउट, टेल मी व्हाट टू डू। कम से कम इतना ही कह दे कि चाहे जो कुछ भी होगा यू विल स्टैंड बाय मी।
ये सारा किया धरा ना उस अहमर का है, देखना मैं क्या करता हूं उसका हशर। टू शू हैव नो रिमोर्स इडियट। क्या हुआ, तुम दोनों इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? तुम्हारी अम्मी ने तो चौथी की तकरीब का कहा था, लगता है तुम दोनों भूल गए हो। क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? अहमद? जी जी अम्मी, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग सोने की तैयारी करो। क्या होगा अहमद? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर वो इतनी सच्ची थी तो एकदम से गायब क्यों हो गई है। तुम्हारी कोई पुरानी दोस्ती भी नहीं थी उससे, हमें एटलीस्ट ठीक से इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए था ना। क्या होगा अब, कौन संभालेगा तकरीब को, कौन हैंडल करेगा? हालत देखो सबकी क्या हो रही है अहमद। ये तुम क्या करने बैठ गए हो? शैना को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जा चुकी है वो, कोई परवाह नहीं है उसे। डरी हुई है वो। अगर इतना डर था ना उसे तो उसने मुंह क्यों खोला, बंद रखती ना अपना मुंह। क्या फायदा हुआ है हमें सबका, उसके सामने आने से क्या फायदा हो जाता? तुम्हारी बहन को शहरी शीशे में उतार लेता, उसके बाद शैना को नुकसान पहुंचाता। जो इंसान उसको -15 में बाहर लॉक कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। वैसे भी ये कराची है, एंड यू नो हाउ पावरफुल शेरी इज। तुम जानती हो शैना हमें सब बताते हुए कितना डरी हुई थी। फिर तो हमें भी डरना चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा खानदान इस वक्त शेरी के कब्जे में है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, शेरी बोल रहा हूँ। अलीज़ा शायद नीचे गई हुई है, बताइए सब खैरियत है? मैंने अलीज़ा से बात करनी थी, मैं दोबारा कॉल कर लेती हूँ। हाँ मुझे बता दें आप। तुम्हें क्या बताऊँ बेटा? क्या मतलब आंटी, यानी आपको भी लगता है कि मैं? मुझे कुछ नहीं लगता। से बात कर रही थी? अदीजे थी, ठीक तो है? कॉल तो उसी को किया था, मगर शेरी ने फोन उठा लिया। ये अजीब बात है इत्तेशाम, शेरी ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके वालिद मोहतरम भी फोन नहीं अटेंड कर रहे। मैं अदीजे को वहां छोड़ के आना नहीं चाहिए था। बस मेरी बच्ची घर आ जाए अब। ऊपर से रमजा के ससुराल वाले बार बार फोन किए जा रहे हैं चौथी की दावत के लिए। अब आप बताएं, मेरे तो घर पे कयामत टूट पड़ी है। शेरी जो भी कह ले, मेरा दिल बहुत खट्टा हो गया उसकी तरफ से।
बड़ी देर की मेहरबान, आते आते हैं। रूह की तरफ कल आ गई, क्या शलीजे को भी आ जाए। Your mother was really cold towards. मैं किसी की भी रिएक्शन की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। इस बात ने सबको बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया। एक गलत इल्जाम ने सबको बुरी तरह अफेक्ट किया। अरे याद करो, सलमान तुम्हारा एक्स, जब वो इंसिडेंट हुआ था तो तुम्हारे पापा घर तक पहुंच गए थे तुम्हें लेने के लिए। क्यों तुम किसी को जवाब दे नहीं? इज्जत सिर्फ औरतों की होती है, मर्द की नहीं होती। वो हर्ट नहीं होता, वो रो नहीं सकता। आंसू सिर्फ औरतों के लिए बने, सिर्फ उन्हीं के पहुंचे जाने चाहिए। ये बहुत आम है हमारी सोसाइटी में। I mean, honestly, ऐसा नहीं होता यार। प्लीज प्लीज जाकर बताओ उन्हें, ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहे। I mean, कोई भी आकर मेरे ऊपर कीचड़ उछालेगा और मैं सोता रहूंगा बस। ये बहुत गलत बात है कि तुम सब उसकी बात मान रहे हो, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। सिर्फ रिस्पेक्ट चाहता हूं जो कि मेरी है। एक आम सी लड़की मेरे ऊपर कीचड़ उछाल के चली जाए और मैं बस देखता हूं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं फाइट करूंगा, अगर मुझे अपने लिए फाइट करनी हो मैं जरूर करूंगा। क्या हुआ शगुफ्ता? वो ये फिक्र है कि अलीजे का क्या होगा। तो घर चली गई। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है दिशा? हमने तो अपनी बेटियों बेटों की तरह पाला था, मगर फिर भी इधर हम मजबूर है, उधर वो मजबूर है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो शेरी के साथ क्यों है उधर इतजाम? जब रूह का सौदा कर दिया जाए पैसे ही होता है। क्या सोच के मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तूने? कौन लगता है शैना के साथ तेरा भी चक्कर चल रहा है, क्योंकि वो है तो ऐसी, जहां जाती है नया चक्कर चला लेती है। जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला। आलम बरज़ख भी शायद इसी हाल का नाम है जिससे आज मैं गुजर रही हूँ। ना इधर ना उधर, जन्नत वाले भी नजर में और जहन्नम वाले भी। मुझे अपने अंजाम की खबर नहीं,
अपनी जगह का पता ही नहीं। वो इंसान जिसके बगैर मैं अपनी जिंदगी का सफर भी नहीं कर सकती, अगर वो सच में बुरा होता तो मैं क्या करती? हम औरतें इतनी आसानी से किसी के इतने मोहताज हो जाती हैं ना। मुझे कब इस इंसान से इस कदर मोहब्बत होगी कि इसके साथ खून भी माफ करने के दर पे आ गई हूँ। आज गिरफ्तारी में हूँ, मुझे आजाद भी नहीं होना, बस इसको चाहते रहने। क्यों मेरी सांस इसके बगैर नहीं आती? अल्लाह प्लीज शेयरिंग, मुझे तो उससे कोई दूर नहीं कर सकता। शायद मोहब्बत जब इस हद तक हो जाती है तो हर किसी का यही इम्तिहान होता होगा, है ना? चेने आ जाना। अब अगर उन्होंने अंदर ही ना आने दिया फिर? तुम मुझे जानते हो मैं कैसी हूँ। मुझे पता है एक स्टूपिड सा इल्ज़ाम है जो अहमद और रमज़ा ने लगाया है। ऐसा कुछ नहीं, और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में इतना बड़ा वबाल खड़ा करने के बाद, अपनी शादी के दूसरे ही दिन मेरे घर में इतना बड़ा इश्यू खड़ा करने के बाद तो यहाँ बैठे? अभी तो तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बने हो और आते साथ ही तुमने शहरी के साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिए। उसको हराना चाहते हो? कितना चीप टैक्टिक इस्तेमाल किए, एक इमेजिनरी किरदार पैदा किया और लाकर सामने खड़ा कर दिया। लीजे तुमने भी यही किया। नहीं, अगर वो लड़की एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट तो होगा ना। चलो ठीक है, ये नहीं है, फोन नंबर तो होगा ना। बात करा दो मेरी उससे, बात कराओ कि वो भी नहीं है। बोलो, मुझे जबान नहीं है क्या तुम लोगों की? अब तुम ज्यादती कर रही हो। क्या करते हम, क्या करें बताओ? तुमसे ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है कि अकेली लड़की शहर में कितनी गैर महफूज है। डरी हुई है वो बहुत। ठीक है, वो डरी हुई है ना, मेरी उससे फोन पे बस बात करा दो। फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास, कराओ ना। देखो अभी इसी वक्त मामला खत्म करो, क्योंकि शेरी को मैं रोक नहीं सकती। मुझे नहीं पता वो तुम लोगों का क्या हश कर देगा। वहां शेरी के अब्बा नहीं, एक इंसान है यार, वो इतने चुप करके बैठे हुए, उनको समझ नहीं आ रही है सब क्या हो गया। मिले नहीं है वो भी। बस अब उनके खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहना। आई कैन वाउच फॉर देयर कैरेक्टर्स। मतलब यार अंधेर है क्या? देखो मैं शादी हुई है, मुझे पता है उन लोगों का। खुद को कंट्रोल करो अलीजे, क्या हो गया तुम्हें? देखो तो सही किससे बात कर रही हो, बेनोई है तुम्हारा, और वो क्यों तुमसे बैर पालेगा खाम खामे? क्यों? देखो उसने जो कुछ सुना उसने तुम्हें बता दिया ना। ना कुछ देखा तो नहीं ना, बिना तहकीक किए मेरे घर पहुंच गया। अहमद ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो ना, तुम शेरी की खाक को भी मैच नहीं कर सकते। पड़े आए सच्चाई के ठेकेदार। माय फुट। बस अभी कोई बात नहीं करनी। अहमद, अहमद बेटा, अहमद प्लीज रुको। अहमद जी रुको, रुको प्लीज। रमजा मुझे अभी अकेला छोड़ दो। अहमद प्लीज। क्या इजी, क्या आप लोग जानते नहीं है उसे? आप लोगों को तो पता है ना शेरी कैसे है। माँ आप तो जानती है ना शेरी को, उसका हीरे जैसा दिल है, वो ऐसा नहीं कर सकता। माँ आप जानती है ना उसे। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे जानती हूँ। अरे माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। और
टीमिंग अप है। We are not teaming up. हम ब्रेनवॉश्ड नहीं, इतने नहीं ब्रेनवॉश्ड। इंटरनली से हमें सब कुछ साफ नजर आ रहा है, तुम्हारी आंखें धुंधलाई हुई है। शेरी कहाँ हो? वापस आ जाओ। एलिजे प्लीज वापस आ जाओ, मुझे वापस आ जाना है। क्या कर रही हो एलिजे बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं। आप लोग मेरे अपने नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है। एलिजे प्लीज रुको, हम माँ बाप है तुम्हारे बेटा। कौन उसे है एलिजे? ओए इडियट, बात करने से पहले सोच तो लिया कर, किसके बारे में बात कर रहे? यू नो हु आई एम। ये घड़ी देख रहे? तेरे एक साल की तनख्वाह से ज्यादा कीमत है इसकी। क्या सोच के मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तूने? सुन बैठ के ही बात। अबे तू है कौन? लगता है शैना के साथ तेरा भी चक्कर चल रहा है, क्योंकि वो है तो ऐसी, जहां जाती है नया चक्कर चला लेती है। एक और लफ्ज ही सुनूंगा मैं। कौन है तू? हैं? तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? मुझे पता है वो सच कह रही है। अगर तुम इस घर के दामाद हो ना, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे पास लाइसेंस है कि तुम जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो कर सकते हो। वो तुम्हारी बीवी थी। मैं बकवास बंद कर, पकड़ो इसे। क्यों हो रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मारो इसे। छोड़। क्या है यहाँ पे? गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, और अपने बाप को कहो एक घर खाली करे, बंद हो गया चैरिटी। गाड़ी में बैठो। बैठ। हमेशा यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं ना अपनी रीत नहीं। हमेशा यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं ना अपनी जीत नहीं। स्टॉप दिस नॉनसेंस। अगर वो शहना सच्ची भी है ना, तो उसने हमें इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, और हमने अपनों से ही जंग मोल ले ली है। क्या पता वो शेरी भाई पे सिर्फ एक इल्जाम लगा रही हो। वो गलत नहीं है। अच्छा, कितना जानते हो तुम उसे? चंद महीनों की मुलाकात में कोई किसी को इतना ठीक से जान नहीं पाता। हमने ना बहुत जज्बात में आके फैसला किया है। हो सकता है वो शहरी भाई से अपनी किसी पुरानी लड़ाई का बदला ले रही हो। हमें बिला वजह में झगड़ना नहीं चाहिए था। शहरी भाई तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं और मेरे माँ बाप घर में अकेले हैं। क्या करूं मैं? लीजे बार बार मुझे मैसेजेस करके कह रही है कि मैं जाके शहरी भाई से माफी मांगू, वरना वो मुझे कभी भी उसकी सूरत नहीं देखने देंगे। ये जो इंसाफ की लड़ाई होती है ना, ये एक लग्जरी होती है। हक मांगने से हक नहीं मिल जाता, सिर्फ सजा मिलती है, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे जाके शहरी भाई मेरे माँ बाप के साथ क्या क्या कर सकते हैं, मेरी बहन के साथ क्या क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर दिस वॉर राइट नाउ। माइंड आइस लेके आगे। मैंने क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारी बहन का? क्या किया मैंने ऐसा जो उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर? पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं समझा। ये स्कीम थी उसकी पूरी, और ये सारी स्कीम वो चला रही थी। तुम्हारी बहन, तुम्हारा बाप, और अब ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा। तुम लोगों की हैसियत क्या है मेरे सामने, मेरे घर के सामने? Who the hell do you think you are? तुम लोग मेरे घर में ठहर रहे हो। मैंने कभी इतनी छोटी बात नहीं की। अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो छोड़ दो ना मुझे, क्यों चिपकी हुई हो मेरे साथ? और क्यों बैठा हुआ है तुम्हारा बाप अब भी मेरे घर में?
48 घंटे में मुझे मेरा घर खाली चाहिए। अगर मेरी इज्जत पे हाथ डाला है तो मैं देखता हूं किसकी इज्जत रहती है यहां पर। ये रिएक्शन तो आना ही था, तुमने कैसे सोच लिया? शेरी ने इतना बर्दाश्त किया ये उसकी बहुत बड़ी बात है। मैं होती तो शायद तुम्हारे घर वालों के पास दिमाग ही नहीं है, उन्होंने सोचा ही नहीं वो किससे बात कर रही है, वो कौन आदमी है, उसकी क्या फैमिली है, उसका क्या बैकग्राउंड है। मैं शेरी के रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकती, और बाबा के पास जाने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो परेशान। तुम्हारे घर वालों ने उठा के हमारी घर की इज्जत को सरेआम कर दिया, घर की इज्जत से खेलने की मजाल कैसे हुई उनकी? शेरी ने अगर एमर को मारा तो बिल्कुल ठीक किया, मैं होती तो उसका मुंह तोड़ देती। जी कह रहे मैं अभी घर से निकल जाऊं। कहां जाओगी? तुम्हारे पेरेंट्स के पास तो 48 आवर्स रह गए। ऐसा करो तुम शेरी के पास जाओ, उसको मनाओ, उसे माफी मांगो लीजे, और अहमर को बोलो कि उससे आके अपोलोजाइज करे। क्या पता इसके पीछे तुम्हारे पेरेंट्स को थोड़ा वक्त मिल जाए और ये मानो कि ये उनकी गलती है। बस एक चाह रही हूँ मुझे। हेलो, हाँ शेरी, हाँ बस मैं निकल रही। ओके क्या हो? मीटिंग है हमारी, मैं उसको मिलने जा रही हूँ। वो तुम प्लीज़ तुम उससे बात करोगी, वो तुम्हारी बात सुनते हैं। असल में मेरे माँ बाबा को कोई आइडिया नहीं था, उनको कुछ नहीं पता था वो कैसे रिएक्ट करें, तो इसलिए उनका रिएक्शन जायज़ है ना। लेकिन मुझे पता है उसको डिसरिस्पेक्ट फील हो, और उसका डिसरिस्पेक्ट फील होना जायज़ है। मैंने अमर को बहुत सुनाई है, मैंने बहुत डांटा है उसको, अच्छी खासी सुनाई है मैंने। विजडम की कमी है, अपनी पेशाब से ऊँची छलांगें जो लोग मारते हैं ना उनकी टांगें टूट ही जाती हैं। खैर मैं शेरी से बात करूंगी, पर तुम इसके बीच में कॉल नहीं करोगी। डू यू अंडरस्टैंड? ओके तुम प्लीज उससे बात करना, ठीक है? वो तुम्हारी बात सुनता है, वो बहुत ही रियली कंसिडर्स यू। प्लीज देखो इसका तो मुझे मालूम नहीं है, पर मैं तुम्हें एक बात कहूंगी कि अगर तुम्हारा बेबी होता तो बात और होती, बच्चे माँ की ढाल होते हैं। एनीवे आई विल टॉक टू हिम, बट डू नॉट कॉल हिम। इसी वजह से मैं इस घर में रहने के हमेशा से खिलाफ हूं। 48 घंटे में कैसे खाली करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुशाम। समझ आ जाना चाहिए शगुफ्ता, वो जो गलत है और हम लोग सही। जैसे उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और न जाने कब तक उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। इतना कुछ होने के बावजूद वो आज भी उनकी जबान बोल रही है। औरत जब अपनी सोच नी अकल गिर फिर रख देती है ना, तो हमेशा के लिए खुद को नीलामी के लिए पेश कर देती है। मुझे लगता है बात कुछ और है तिशा। अलीज़े को शायरी से मोहब्बत नहीं है, उसको इश्क हो गया उन आसाइशों से जिसको हाथ हिलाए बगैर हासिल हो गई। ऐसा ही होता, इंसान ऐसे ही कमजोर समझौते कर लेता है। मुझे पे तो देखे ना, मेरी आंखों को वह चमकदार खैरा कर देने वाली चमक ने सिर्फ एक ही दुनिया दिखाई जिसपे सिर्फ शेरी था।
बेपना दौलत, पावर, उसका जादू ही कुछ और होता है। शाम का असर जाते जाते ही जाएगा। हेलो माँ, माँ आप ठीक है ना? हम ठीक है, हमें क्या होगा? तुम ठीक हो इन हालात में तो हम भी ठीक हैं। माँ प्लीज, अभी मुझे ना इस बारे में बहस नहीं करनी प्लीज। माँ शेरी हर्ट है ना, वो सिर्फ आपकी बात सुनेगा, आपको माँ जैसे समझते हैं। प्लीज माँ समझने की कोशिश करें, आप इससे बात तो करें ना। माँ इस टाइम पे बड़े ही तो सब सॉर्ट करते हैं, बड़े किस काम के लिए होते हैं फिर? मुझे नहीं बनना शेरी का बड़ा। अच्छा, उसने मेरी बेटी पे हाथ उठाया, मेरे दामाद को मारा, हमें घर खाली कर देने का नोटिस दे दिया और तुमने देने दिया उसको? तुम कह रही हो उसको ममता की जरूरत है? मैं तो कहती हूँ बहुत खुशकिस्मत होती हैं वो माएं जो अपने बच्चों के करतूत देखे बगैर इस दुनिया से चली जाती हैं। बस अलीज़े, मुझे अब तुमसे और कोई बात नहीं करनी प्लीज। मैंने कुछ नहीं सुनना, मुझे भी पैकिंग करनी है। ओके, और हाँ सुनो, अपने शौहर से कह देना कि इस घर की छत अब हमारे पे हराम है, अगर हम 10 मिनट भी इधर रुके तो। माँ मुझसे क्यों नाराज हो रही है? सब कसूर तो अमर का है ना, बेबुनियाद इल्जाम। बेबुनियाद है, कैसे कह सकती हो तुम बेबुनियाद है? उसने मेरे दामाद को मारा, वो समझता क्या अपने आप को? बड़ा आदमी है तो कुछ भी कर सकता है। देखो प्यार अंधा हो सकता है, मौका परस नहीं। माँ इतनी बड़ी बात होने के बावजूद तुम अभी तक उसी की दुमचला बनी हुई हो। बड़ा तो तुम्हारा ससुर भी है ना, उसको को समझाए अपने बेटे को? अहमक लड़की, हाफिज कुछ पता चला शहना के बारे में? अच्छा ओके, वेरी गुड। एक काम करो ना, मैं तुम्हें स्पीकर पे डाल रहा हूँ, मेरी बीवी भी साथ बैठी है, उसको भी सुनाओ। हाँ अब बोलो। देखो शहरी, शहना तो सामने आ नहीं रही क्योंकि तुम्हें पता है कि वो कितनी क्लेवर है। उसका काम ही है छुपना, न्यूयॉर्क आ गई है। उसके भाई को पकड़ लिया था मैंने पहले, तो वही आए माए शाए और अब कहलवा रही है भाई से कि $50,000 अब भी रहते हैं शहरी पर। ये सब जो उसने गन गोली है ना, इसीलिए ब्लडी गोल्ड डिगर। कोई सबूत होता ना मेरे पास तो फिर मैं पुलिस से बात भी करता। अच्छा एक काम कर, जरा मेरी बीवी से बात कर, उसने और उसके घर वालों ने महाज खोल लिया मेरे खिलाफ, प्लीज समझाओ उसे। हेलो भाभी। जी भाभी, आप किन बातों में पड़ रही हैं? हम कॉलेज के जमाने में जानते थे उसको, बाकी सब झूठ है, उसको सिर्फ पैसे चाहिए। उसने बहुत पैसे खींचे हैं शहरी से, फिर केस भी कर दिया। ये पहुंची कैसे आप तक? वो मेरे ब्रदर इन लॉ को जानती हैं। अपने बहनोई को बोले उससे दूर रहे, ये इन्हीं कामों में है ब्लैकमेलर। ना घर ना बार ना कोई घर खानदान। अरे भाभी आपने बहुत टेंशन ले लिया, इसका चैप्टर अब क्लोज है। अच्छा भाभी अल्लाह हाफिज, ये मेरा 10 साल पुराना दोस्त है, मोहसिन है मेरा। आप फरिश्ते के साथ रहती हैं भाभी? एक काम कर, पता लगा कि शहना कहां पर है फिर मुझे बताओ। ओके बाय। जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला।